हेलो, सलाम अलैकुम। वाशाम। अच्छा, वो नदीम भाई अभी नहीं आए, जरा 1 मिनट रोक लेते हैं। जितनी देर में नदीम भाई भी आ जाए, पहुंच गए। क्योंकि नेट वेलकम प्रॉब्लम हो है सर गया। जी, नेट प्रॉब्लम है सर, कॉल जल्दी जल्दी कनेक्ट नहीं हो रही है, इसी वजह से हाँ, अच्छा, नेट कम। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा है। नुमान भाई ने ये कहा है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं नदीम भाई को चुक के ग्राउंड टू कॉर मारा, यही बोला है ना आपने नुमान भाई? बिल्कुल सर, ग्राउंड जितनी ज्यादा पेस होगी उतना मजा आता है खेलने का। वो ताड़ी गाल ठीक है, ग्राउंड टू बार मारन दी गाल अलग है। मैं पिच दे नेड़े वाली गाल नहीं की थी कि बॉल ऐसे टिक करके तो पिच दे गोल हो गई। सर्कल सर्कल क्रॉस करना है भाई मेरे। पहली बात तो यह है कि जो नदीम जिस तरीके की बॉल करता है ना, उसको अगर उसको आप अटैक नहीं कर सकते, अगर बिल्कुल आप सर, अटैक कर दिए तो वो तो आपकी टाइमिंग बहुत मिस हो जाएगी। उसको आपको वेट करके खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो मूव भी कर रहा है एज पर नुमान की उसकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही अगर जी सर, मूव जिसको आप ऐसे सही रीड ना कर सके, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो। बॉल के ऊपर आपको आना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात, वेट कर। उसके अलावा बड़ा मुश्किल है उसको खेलना। लेकिन आपकी बड़ी बड़ी बात है, कोई और बॉलर दसो। नदीम तो खैर बहुत मतलब बड़ा तगड़ा बॉलर है हमारा, किसी और को दिल नहीं चाह रहा जो कोई और बॉलर भी हो। अबू बकर भाई, अबू बकर को भी आपका दिल चाह रहा, वो तो आप अपनी दिल की भड़ास बाहर निकालने के लिए कर रहे होंगे ना। नहीं मतलब बोले चुटके में मारा, लव मार लिया कप्तान तूने ग्राउंड सर जी, वैसे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये जब मैच शुरू होंगे इंशाल्लाह तो सुनाना है सर, नदीम भाई और बार। बकर जी भाई। ये जो है ना, ये अभी थोड़ी देर के बाद YouTube के चैनल के ऊपर सारे चले जाएंगे, वो रिकॉर्ड हो रही है, वहां पे लगेगी कन्वर्सेशन। ये हम लोगों की अपनी अच्छी गुफ्तगू है, और क्या कहते हैं, ये करना चाहिए। अच्छा आपने जो है ना, अच्छा ईशान भाई थोड़ा तो दिल चाह रहा है कि चौके ग्राउंड दो बार मारना है, छक्के वाले प्लेयर हो मेरा आपको है ना बैट। हमीद भाई को, हमीद हमीद भाई पे इधर वो वैसे क्या मार क्या के बात मुंह है, तोड़ देगा बॉक्स उसको मारने की जरूरत नहीं, उसने कैप्टन भाई की ही बैंक बोल की। करता है वो बॉल आगे करते हैं, उसका बहुत अच्छी, लेकिन मेरी तो आगे वाले को तो ज्यादा जल्दी कोशिश चांस होता यही है है कि लगने का। उसको मारूं। हाँ यानी वही आप तो भाई, बता मान सकते भाई हैं सब मैच कुछ जो है। खेले थे ना, वो लेफ्टी बॉलर था, एक लेफ्ट बोल रहा था, उसकी बहुत तेज थी, उसको एक चक्का लगाया तो वो उसने ही आगे बोल की। नहीं थैंक यू। नहीं साड़ी टीम है सर सर, भाई, आप नुमान भाई से पूछें, हमीद जो लेग पे बॉलिंग बॉल करवाता है उसके बारे में बताओ कोई। वो किधर आपने जा ये रहा नहीं पूछा पीछे सबसे ज्यादा मुश्किल बॉल पकड़ना किसका है, किसका बॉल है? हाँ, पकड़ना है? ये वैलिड पॉइंट है, हाँ ये आप बताएं पूछना चाहते बताएं हैं भाई। बताएं बताएं, किसकी बॉल दो सबसे बंदे हैं ज्यादा? सर जी, हमीद ही है दो सर। बंदे हैं, एक हमीद और एक ये नोमी भाई। नोमी भाई का बॉल पहुंचता नहीं है और हमीद का भाई इतना लंबा मैं तो जब भी बॉलिंग कड़ी करता हूँ, अपनी दिल दी बड़ास कड़ी है मैं तो तू। जब भी बॉलिंग करता हूँ, मैं जब भी बॉलिंग करता हूँ, मैं तो अच्छा इसको बोलता हूँ, मैं तो इसको बोलता हूँ भाई आगे खड़ा हो जा। मैं आपको एक बात बताऊं, क्यों सीरियस तू नोट के कैसे ऊपर छाड़ हम लोग मारनी मजाक कर रहे नोमी हैं। भाई दी बोल? देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग मजाक कर रहे हैं, बिसाइड द पॉइंट है। बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं, क्योंकि नईम भाई हमारे साथ पिछले 10 साल से प्लस से खेल रहे हैं। बहुत सारे बिल्कुल नईम भाई सर, के अंदर एक कीड़ा है, वो कीड़ा क्या है कि मैंने तीसरी चौथी बॉल लेग साइड पे देनी देनी है, और मैंने उधर फेंकनी, लेकिन मैं फील्डर नहीं लेना उठे, क्योंकि मैं चार खाने नहीं उठे। उधर बात हालांकि ऐसे ऐसे मैचेस हमने देखे हुए, मजाक नहीं कर रहा क्योंकि नईम भाई बैठे इसलिए नहीं कर, ऐसे ऐसे मैच हुए हुए हैं जहां पे विकेट कोई ले ही नहीं रहा, और कोई अब बॉलर भी हो गया, आमिर भी एक जमाने में हमारे पास खेलता था, फलाना बॉलर भी लगा हुआ है कर रहे, विकेट नहीं मिल रही थी। आमिर पुराना वाला मोटा वाला आमिर जो आजकल कनाडा बैठा हुआ है, इमरान भाई, आमिर भाई, इमरान कौन सी, इमरान भाई, इमरान अबू बकर भाई इमरान के तो वो, बाद में आया ना, हाँ इमरान तो इमरान बाद में इमरान आया ना, बोले ये तो बाद बहुत में पहले आई है तुम, ना, ये मैं उस टाइम की बात कर ये तो रहा बहुत हूं, पहले की बात कर रहे। विकेट कोई मिल नहीं रही। और हमारी टीम के अंदर आपको पता है आज सारे राज में खोलन लगा हूं, जिससे पाकिस्तान भी खोलन लगी ना, अब सारे टेंशन में है कि बॉल किसको देनी है।
नेम को नहीं देनी, ठीक है जी। अब आप कह रहे हो यार रिस्क लेते हैं, कोई बात नहीं, तुसी भी पदरा खा लेने, उन्हें भी पदरा खा लेना, तो नेम भी पदरा खा लेगा, इट्स ओके। लेकिन नेम के पास बात यह है, हम लोग मजाक लेते हैं ना, नेम के पास डिलीवरी है जो अनप्लेएबल होती है अगर ये ऑफ स्टंप के ऊपर रख ले तो, लेकिन वो रखनी तो है नहीं है ना, है ना, लेग साइड तक तो छुटनी छुटनी। नईम भाई ने ऐसे ऐसे मैचेस के अंदर एक दो विकेट हमें लेके दे दी हुई है जिससे कि हम मैच जो है वो जीत गए, हमारे मेन बॉलर जो है वो फेल हो गए, पिट गए, मार खा गए, नहीं मिली, इन्होंने हमें विकेट लेके दे दी। प्रॉब्लम क्या हो रही है, नईम भाई जो है ना रेगुलरिटी नहीं करते, इनको है ये असल में एक वो नहीं ना सियालकोटी कीड़ा, ये हमारी टीम में एक और बंदा था जाहिद, है ना, अगर जाहिद और नईम भाई टीम में हो, आपको मैच खेलने को दिल नहीं चाहेगा, आपका दिल चाहेगा ये पंच लाइन सुनते रहे, कोई यहां से निकलेगी एक यहां से निकलेगी, दोनों नहीं छोड़ेंगे किसी हाल में, नहीं हो सकता कि ये दोनों, क्योंकि सेम एरिया से बिलोंग करते हैं शायद, है ना, वो भी शालकोट से ही है ना, अगर मैंने ना लगाई तो मैं हार गया, मेरी जातियात के ऊपर अफेक्ट हो जाएगा। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बिलाल भाई अगर आप बैटिंग कर रहे हो, आपका किसका दिल चाहेगा, कौन से बॉलर को आपका दिल चाहेगा, मैं थोड़ा सर जी मैं तो वैसे भी एक ही बॉल खेलते हैं सर, मेरे आगे कोई भी बॉलर आ जाए। अच्छा देखिए हमारे हमारे बाकी सब लड़के बड़े खामोश हैं। हमजा भाई आपने अभी तक कोई बात नहीं की, आप कौन से बॉलर को आपकी सीरियसली नोट के ऊपर, क्योंकि आप ओपनर हैं, कौन सा बॉलर है जिसका आपका दिल चाहता है मैं इसको मुझे कराए ना मैं इसको बताऊंगा कि बॉलिंग क्या होती है। सर जी मैं जो खेलना चाहता हूँ ना, जो हमारे अटैक है ना उनके खिलाफ खेलना चाहता हूँ सर जी, छह बॉलों के अंदर अंदर सारे आउट कर दें सर, तो टेंशन ना ले आप, करेंगे फिर सर। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये रिज्यूम होगी ना क्रिकेट इंशाल्लाह, ये जितनी भी आप लोगों ने अपने ख्वाहिशात बयान की है ना, ये हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल सर, अपनी ही टीम के लड़के ले जाएंगे ग्राउंड के ऊपर और हम अपने ही कहेंगे लो जी बिस्मिल्लाह करो जी, कितने बैटिंग कर रही है। मैं आसिफ भाई का ना, आसिफ भाई की एक मैं बात शेयर करने लगा, हमारा टीममेट ही था, चले मैं नाम ही ले लेता हूँ, जफर। बताएं 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 सब बताएं, नाम बताएं। हाँ जफर भाई ना, हमारा मैच हो रहा था इंडियन 11 प्लस पाकिस्तानी 11, शायद आपको याद हो, जिसमें असद खान और ये वो। जी जी जी। अच्छा अब जनाब आसिफ भाई मुझे बॉलिंग देना चाह रहे हैं, सफर उधर मना कर रहा है, नहीं 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 मैच की सिचुएशन है, ये है वो है, ऐसे वैसे इसको बॉलिंग नहीं दे, ठीक है, बड़ा मना किया उसने। आसिफ भाई ने कहा नहीं मैंने बॉलिंग नहीं दे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आसिफ भाई की उम्मीद थी उस पर पूरा उतरा, मैं चैन में एक दो आउट भी किया था उस ओवर में और मैच भी बजा लिया था, हालांकि उधर हार्ड हिटर बैटिंग कर रहे थे। बिल्कुल सर, मैंने आपसे ये कहा हमारी टीम के अंदर क्या है, मैं कहता हूं कि हम लोग क्योंकि एक दूसरे के साथ ओपन मजाक बहुत करते हैं, आप लोग भी तो खैर ये नईम भाई और ये बकर हो गया, ये एक और इनकी टूटी थी आमिर हो गया जिसको हम अल्ताफ बोलते थे, ये जट हो गया, ये लोग इकट्ठे हो जाए ना, ये तो बेसिकली आप समझो कि मैच खेलने के लिए तो ये आते ही नहीं, ये सिर्फ इसलिए घर से उठते हैं कि आज जाना है थोड़ा आधा घंटा दो घंटे, मैंने उसकी लेनी है उसने मेरी लेनी है, ये फिक्स्ड सेट से आते हैं सारे साथ में, क्लियर करे क्लास क्लास बात क्लियर करे क्लास। नहीं वो जो है ना, एक बात है मेरी, ये आपको बात माननी पड़ेगी कि मैच के दौरान कभी भी मैं इस तरह का नहीं किया, हालांकि ये करते थे लेकिन मैच के दौरान आपको पता है मैच। अच्छा मेरा आप लोग से पूछ कि हम लोग सिर्फ एक दो तीन चार पांच है, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आपने बताना है वो कौन सा प्लेयर है, हमारी टीम का ही होगा जो 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 हरकत किस किस्म की करता है, ठीक है जी, बॉलिंग कर रहा है वो, और
मिस फील्ड हो गई है उससे, और वो रिएक्शन देते हैं उधर से बॉल। हाँ बताए एहसान भाई, बगैर हाथ उठाए एकदम फायर कर दी, कौन है? बकर भाई उधर है, उधर है, उधर है। अब तो ये कैप्टन जी, अब आप लोग एक 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 बताएं, एक एक हर प्लेयर की, किस प्लेयर का क्या एक खासियत है कि वो पता लग जाता है इन्हें तो एक्कर नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल। मैं बताऊंगा जी। बताएं। मार पड़ रही हो, ठीक है, दूसरा बॉलर जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग कर रहा हो या वट एवर, जो भी सिचुएशन हो, ठीक है, जो भी सिचुएशन हो, बकर ने अपने ओवर पूरे करने जो मर्जी कर लो आप, उसका बाजू भी, हालांकि वो बाजू ना एक दिन वो क्या किया, टोपी पहन के आ गए, याद होगा आपको, हाँ बटरफ्लाई लगी हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, उधर भी बात नहीं, उस दिन उन्होंने जान भी बहुत मारी थी यार उस मैच की तरह, आप उनसे मिस फील्डिंग भी बहुत हो रही थी, लेकिन उस बच्चे ने उस मैच में बड़ी जान मारी थी, लेकिन हमारे साथ उसने, ये जो मैंने, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें चार ओवर अपने पक्के नहीं। आप सब एग्री कर रहे हैं इस बात पे या नहीं? अच्छा, उसका एक तरीका वारदात क्या है, मैं वो भी बताता हूँ आपको जी। पहले वो क्या करेगा, कैप्टन को बोलेगा, कैप्टन मैं इस एंड से करूंगा, आपने इस एंड से करना है, पहले मैं भी, ताकि कैप्टन हम होश रहे। नहीं, आपने बड़ा 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 तगड़ा पकड़ा है आपने उसको, उससे कैच ड्रॉप हो जाए ना, लॉलीपॉप कैच, उससे पकड़ के बॉल निकल, और देखेगा नहीं किसी की तरफ, किसी की तरफ नहीं देखेगा, मुंह टर्न करके बाउंड्री की तरफ वापस चला जाएगा, ताकि कुछ आप कोई बात ही ना कर सके कि भाई आपके क्या ड्रॉप हो गया, क्यों हो गया, बकर तो की कितना उनजी, फौरन गुस्से वाला एक्सप्रेशन और टर्न और दूसरी तरफ, फिर उसके बाद उसको पता है कि अभी वापस आएगा, क्लास तो लेगा, कप्तान छोड़ेगा तो नहीं, तो मेरे को आएगा भी नहीं, मेरे पास गुजरेगा भी साइड से, दूर से, ताकि मुझे कुछ ना किया जाए, अगले ओवर तक उसको पता है ठंडा हो जाएगा मैटर, और वो कब आएगा फिर आपके करीब, जब ओवर करना हो ना तो फिर कोई बात नहीं, कैच छूट भी जाएगा ना, तो वो फिर आपको एक्सप्लेन करेगा, हाँ कैप्टन ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, देखता हूँ। एक मुझे सीन याद आ गया मैच का, तो एक अच्छा बैट्समैन खेला था, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद, सही मार रहा था, तो शायद आप नहीं थे आसिफ भाई उस मैच में, आप कहीं गए हुए थे, तो कैच आ गया, वो यानी बॉल करवाई है बकर भाई ने, तो ऊपर चला गया बॉल, जो शॉट मारी ना एज लग के हवा में चला गया, काफी ऊपर गया ना, तो खुद ही कैच लेने के लिए नीचे आ गया, तो गेंद नजर नहीं आया, सीधा सर के ऊपर लग गया। मुझे याद है, बड़ी आवाज आई थी, आवाज आई है सही, कब की आवाज आई है, मैं बोला लोग गए आज, अल्लाह माफ करे, ये देखे आपको, ये मेरी फिंगर नजर आ रही होगी, ठीक है, यही वो जो कैच पकड़ दे, अभी तक टेढ़ी है, सीधी नहीं हुई फिंगर। हाँ हाँ मुझे याद है, ये वो कैच पकड़ते हुआ था, लगी थी, कैच पकड़े ना, सिलाई उसकी बॉल पे निकली हुई थी, लेकिन कैच पकड़े नहीं थी, ड्रॉप हो गया, सिलाई लगी थी उसकी बॉल के। अच्छा मुझे ये बताएं कि हवा आ रही बड़ी तेज सर, वो तो मुझे ये बताएं कि हमारी टीम के अंदर सबसे बेस्ट फील्डर कौन है, फील्डर सबसे बेस्ट फील्डर? एहसान साहब, एहसान और सर सुलेमान दोनों। हाँ सुलेमान नहीं, वो हमीद बकर भी, आप नहीं, वो जो आप भी भूल रहे हैं, बकर को बड़ी शानदार मैंने फील्डिंग करते हुए देखा है, पूरी बाउंड्री को करता था वो, ये आज की बात नहीं, ये आसिफ भाई को मैं बता रहा हूँ, 10 साल पहले की बात। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दो लड़की आई थी हमारी टीम में, अभी तो आमिर भाई भी थक गए थे, ठीक, तो वो मतलब कि ये एहसान से भी ज्यादा तेज भागता था। नहीं नहीं, एक और भी था, एक और भी था,
एक वसीम भी था ना, वसीम कीपिंग भी देखी। हाँ जी वसीम भी, वो उसकी भी हाइट इतनी थी, वो एहसान, वो भी बिल्कुल एहसान की तरह था। आप हैरान हो जाएंगे, हमारी टीम थी, हम लोगों ने बीएसएफ कप जीता, उसके बाद ये इनका कोई खड्डा हो गया तो ये हमारी टीम में आए। बकर आया और आमिर और क्या नाम है उसका, मुजाहिद, हमारी टीम में आए मुजाहिद और अबू बकर, मिड ऑन मिड ऑफ, दैट्स इट, दोनों कवर। और कोई फील्डर जरूरत नहीं है, 15-20 yards इधर कवर कर रहा है, 20 yards इधर कवर कर रहे हैं। और जब ये लोग नए नए टीम में आए तो हमने कहा, जो हमारी जो मेरे पुराने दोस्त थे, वो मैंने कहा भाई मेरे अब तो हम लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी भाई मेरे, जिस तरीके से बात के पूरा मार्जिन कवर कर रहे हैं, तो हम तो मैच जीता हुआ हार जाते हैं अपनी वजह से, इन्होंने बहुत ज्यादा। उसके बाद एक और था वसीम, वो भी अपना एहसान भाई की तरह बहुत तेज थी, माशाल्लाह बहुत तेज, छोटी थी, पतला सुखा सा था, मैदान के ऊपर खड़ा था और आप समझे वो भाग के आके उसने कैच पकड़ लिया लाइन के तरफ 3 या 4 yards पर पीछे, और ऐसे भागता था जैसे लगता था कि ग्राउंड जो है वो छोटा सा ही है, हम तो इतना ग्राउंड कवर नहीं कर सकते सर, अपनी 30 yards के ऊपर वो है और 40 yards के ऊपर बाकी है, तो टोटल अगर आपका 70 meters है तो आप ये अंदाजा करें 35 meters तो उसके लिए ऐसे था जैसे उसने 5-6 kadam चले, बड़ी एक्सेप्शनल रनिंग उसके अंदर। और हमारी टीम के अंदर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो प्रैक्टिस मैच के अंदर छक्के मारते हैं, बड़े आला छक्के, ऐसे ऐसे छक्के हैरान हो जाते हैं, और उसी मैच को प्रैक्टिस मैच में उसी ग्राउंड में जब अपना मैच आ जाता है तो उनसे ना छक्का लगता है ना उनसे चौका लगता है, गेस करो कौन है वो प्लेयर, ओपन पे जाना होता है उसमें, जब आप भूल जाएंगे ना कुछ 7-8 मैच के बाद, यार नहीं ये नहीं चल रहा, उस मैच में वो चल अपने जट साहब है मान रहे जट साहब का जो काम है ना, जट साहब, जट साहब जो है हमारे सीनियर प्लेयर भी हैं, और जट साहब की जो खासियत ये है कि वो उसको पता है कि सिचुएशन देख लेता ते साथ ही कहेगा मेरा ख्याल है कि हूँ मैं चला जाना हुआ, अभी मैं चला जाता हूँ और मैं कर लेना। अच्छा ये इनको भी शामिल करें सर जी, ये नेक्स्ट स्क्रीन वाले इनको भी शामिल करें जरा, वो तीनों क्या नाम है, नदीम भाई है, उसके बाद हमजा है, फिर एहसान है, ये बोल ही नहीं रहे, मैंने मुझे पता नदीम भाई आए नहीं है तो ये चुप करके बैठे हो। नदीम भाई ये क्या बाल इधर नजर आ रहे हैं, शाका फिल्म वाले भी यहाँ वैसे कुछ चीज रखी हुई है, ये मैं वही समझ रहा हूँ, मैंने कहा बाल इतने लंबे हो, मैंने समझा शायद बाल इतने लंबे हो, बाल तो बाल तो लंबे हो गए थे, अभी एक बंदा मिला था इधर 2-3 हफ्ते पहले, फिर बना लिए हमने। नदीम भाई आप ये बताएं कि हमारी टीम के अंदर सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है? ड्रामेबाज एक एहसान भाग गया, सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन? बारी बारी बताएं, सब बताएंगे, सब एक एक बंदा बताएं जिसका, जिसके देखते हैं कितने लोग जो है वो टैली करते हैं एक के साथ। नदीम भाई आप पहले नाम ले लें, कौन सबसे बड़ा ड्रामेबाज है हमारी टीम का, जिसके पास हर सवाल का बहाना है? तो मेरे ख्याल में तो सलमान है सर जी, मैं भी एग्री करता हूँ सर नदीम भाई से। हमजा भाई कौन है हमारी टीम का ड्रामेबाज? जी हमारी टीम का सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है? अब ड्रामेबाज का मतलब ये नहीं है कि वो तो एहसन भाई, एहसन जट, एहसन जट, सलमान भट्ट, मैं भी एग्री हूं इस चीज से, गलती भी आप रहे ना कैप्टन जी, मैं तीन बंदों का नाम लूंगा, तीन बंदे, तीन बंदे आ रहे हैं जो एहसन भाई, तीन बंदे आ रहे हैं,
एक अबू बकर साहब हो गया, एक जड साहब हो गया, एक सलमान। अच्छा दो पे तो मैं एग्री हूँ, तीसरे का मुझे इतना कोई आइडिया नहीं, दो पे मैं एग्री। तुझे कितने कितने एग्री? सलमान के साथ नहीं खेलूंगा मैं भाई, ज्यादा दो तो मैं भी बताता हूं, क्योंकि बकर भाई ऐसा मैं बताऊं दो बंदे मैं आपको साहब जो ना इंटरनेशनल है ये दोनों दो बंदे देता हूं कप्तान मैं। दो बंदे बोले नुमान भाई बोले केड़े दो बंदे ने तुम्हारे? एक एक सर जी जाट साहब, एक का हमारा हमजा भाई। हमजा भाई को बोलो ना यार पीछे चला यार मेरा कमर में दर्द है। जाट साहब दो ओवर के बाद गोडा पार लेने मैंने जितनी दफा हमजा को बोला हमजा को बोला जितनी दफा बोला हमजा को यार हमजा थोड़ा बाइट चला जाता यार मेरे कमर में दर्द। तो अगले अगले ओवर अगले ओवर में कप्तान ने बोला ना ओवर करना है, कप्तान मैं करता हूँ उस टाइम तो मुझे कोई देता ही नहीं, ओवर तो मुझे कोई देता नहीं यार। वो मैं आपको ये ओवर से ओवर से मुझे याद आया कि भाई थे हमारे, उनकी ना टीम थी पाकिस्तान में ना, तो वो ना आपको पता है कि फ्राइडे को मैचेस होते थे पहले, तो सब लोग ना बाइकों पे जाते थे अगर किसी ग्राउंड में मैच है ना, तो ये जो पाकिस्तान में रहे इनको आइडिया होगा उसकी। तो सेम एज इट इज ना, ये जैसे ये हमारे करते ना वैसे, वो बाइकों पे जा रहे हैं ना, तो वहां पे रोड पे ना वो पता नहीं वो ट्रेलर था कोई लीक हुआ है, उसका ऑयल गिरा हुआ है सारा ना नीचे, वो जो आ रहा है कोई दो तीन इनके ना जो प्लेयर गाड़ियों वाले प्लेयर थे ना बाइकों वाले गिर गए, एक को ना इधर चोट लग गई है ना हाथ, ठीक है, तो उसको अब मैच शुरू होने लगा तो कहते हैं यार तुम्हें तो इधर फिंगर पे चोट लगी है तो अब तो तुम बॉलिंग नहीं कर सकोगे, कहता फिंगर इस चोट पे लगी है मैं इस फिंगर से कर लूंगा बॉल। मतलब कि बॉलिंग जरूर करनी है चाहे जो मर्जी हो जाए, नहीं बॉलिंग में नहीं होता फील ना, जब थ्रू करता उसमें फील होता है बहुत ज्यादा। अपना नोमी भाई आपने जो नाम लिए ना, आपने जो नाम लिए हमारी टीम के जो ड्रामेबाज हैं, इन तीनों के हट के कोई और भी बताएं जो आपको लगता है कि टीम में अगर वो ना हो तो टीम में मजा नहीं आता, किस प्लेयर की कमी महसूस होती है वो अगर ना टीम में हो तो हमें लगेगा यार आज मजा नहीं आएगा, किस प्लेयर को हम ग्राउंड में ज्यादा महसूस करते हैं कि उससे टीम जो है वो जरा मजेदार महसूस करती है, पुराने भी हो सकते हैं आपके दोस्त, अगर कोई आपको लग रहा है कि नई टीम में से नहीं किसी का हो रहा, लेकिन किस प्लेयर को आप देख के आपको लगता है किस प्लेयर को आप ज्यादा मिस कर रहे हैं आज? यही दोनों यही है, कौन सही बात है, और उनके साथ मजा भी आता है उसके साथ दोनों के साथ, और थर्ड वन आप हैं, आप भी ना हो तो वो जरा थोड़ी चिट चैट ना हो तो वो भी मजा नहीं आता कोई, जब आप गुस्सा गुस्सा करते हैं ना, टाइम देखो खेलनी है क्रिकेट खेलो, नहीं यार खेलनी तो ना खेलो, क्रिकेट खेलो भाई ठीक है, नहीं तो घर बैठो नहीं तो घर बैठो, तो फिर वो क्या इशारे करते हैं, मैं बोलता हूँ ना फिर मैं देखता हूँ इनको कि आसिफ भाई थोड़े गुस्से में, तो मैं उनको जान के बोल टाइम देखा यार, वो फिर मुझे क्या कहता चुप 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 हाँ आसिफ भाई। यार असल में मुझे जो है ना शुरू से आदत यह है कि 15 मिनट पहले ग्राउंड पहुंचने की, तो वो अब हमें वो आदत है, और जब हम मुझे सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं हमारी टीम के साथ जो बैड लक हुई हुई है, हम लोग सेमीफाइनल खेल रहे हैं हमारे ओवर कट रहे हैं, हम क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं हमारे ओवर कट रहे हैं, तो हम ऑलरेडी 90% मैच जो है वो हार गए, हम कहां से रिकवर करें, और आगे से जो टीमें भी आई हैं ओवर तो अभी कट रहे शुरू में ना, पहले तो हमारे मसले ही क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल कोई ना कोई मसला हो जाता है। जी 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 हमारे दो बड़े सीरियस मैटर्स हुए थे, एक दफा तो मेरा ख्याल है अपना क्या कहते हैं जट साहब का वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, मैच खेल रहा था वो उसके दरमियान में हो गया था, एक दफा अबू बकर आया ग्राउंड के अंदर सारी रात वो उसके वेयर हाउस पे आग लग गई थी, हमारे ऐसे बड़े मसले मसाइल क्वार्टर या सेमीफाइनल में आके ना, तो ये बहुत सारे हम इस वजह से मिस कर गए। अच्छी तरह याद है हम पिछले से दो सीजन पहले की बात है शायद, हम पहले जो पहला सबसे टूर्नामेंट शुरू हुआ ना सर, उसमें हम सारे मैच जीते हैं लीग के, जो मैच है पांच के पांच मैच जीते हैं, क्वार्टर फाइनल में क्या नाम है एसएन भाई के वाले साहब की डेथ हो गई, उससे नेक्स्ट जो टूर्नामेंट शुरू हुआ सर उसमें भी हम तकरीबन सारे मैच जीते हैं,
और अबू बकर भाई के वेरा उसमें आग लग। उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ सर जी, सारे मैच तकरीबन जीते हैं, क्वार्टर फाइनल में अब बकर भाई का कंधा उतर गया। ये सारा एक ही सीजन में हुआ सर जी, ये तीनों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन सब चीजों के बाद एक जो सबसे बड़े ड्रामेबाज जो हैं, जिसके ऊपर हमजा को भी थोड़ी सी हंसी आएगी, कल सुबह जो है वो अंपायरिंग है और सारे बंदे जो है सारे बंदे बीमार हो गए, हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो बीमार हो गई है, उसको 103 बुखार हो गया और उसके बाद भी ग्रुप के अंदर तो सर हम सारे ड्रामेबाजी हैं सर पे। अच्छा, उसके बाद ये चार बंदे टीम में जो रेगुलर करते हैं, उसके बाद एक ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला जाता है, मुझसे जो बोल के ले जाते थे मुझे कि यहाँ ही जाना है। सुने तो सही, झूठ बोल के मुझे ले जाते थे। एक दफा के और कप्तान एम्पायरिंग थी, दो एम्पायरिंग इकट्ठी आ गई तो अभी बंदा ना कोई मिले। मैं और बकर भाई और मोहम्मद को हमने मनाया बड़ी मुश्किल से, तो अब चौथा बंदा करना था तो बकर भाई ने किया एसएन को फोन, छोटे को, यार मैच है टेबल का जल्दी निकल बाहर। एसएन भाई किट करके, ये छोटा जो एहसान किट करके वो पहन के आपको पता है कुछ दफा हम लोगों ने ऐसे काम किए कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हमारी हमारा मैच जो है वो आफ्टरनून में प्लीज रखें और सुबह जो है हमें प्रैक्टिस मैच दे दें। और हम लोगों ने क्या किया कि प्रैक्टिस मैच के अंदर सबको इकट्ठा कर लिया और उस टाइम के ऊपर तो कोई कह नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ मैं नहीं जा सकता, तो हम लोगों ने अंपायरिंग करवाई है, चलो दो बंदे जाके सामने अंपायरिंग कर ली। मतलब ऐसे ऐसे ड्रामे हैं। एक ड्रामा बड़ा बड़ा मशहूर हुआ हमारे इस क्या नाम है इसका ग्रुप के अंदर, हम लोगों ने ये कर लिया, नया सिस्टम बना लिया कि यार अंपायरिंग के पैसे जो है वो डिवाइड कर दिए जाएंगे टीम के ऊपर, जो भी होगा वो टीम देगी जो भी करेगी। बड़ा अच्छा सिस्टम बन गया, एक निजाम चल गया, अब चल रहा है ये निजाम। अब क्या हुआ कि बीच में एक सिस्टम ये आया कि भाई जिसने पैसे नहीं देने वो अंपायरिंग पे चला जाए, ऐसा कुछ निजाम बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके अंदर ये जो ऊपर बैठे हमारे अपना नुमान भाई, अब इनका दिल नहीं चाह रहा अंपायरिंग पे, इन्होंने कहा सर जी पेड़ करा। हमजा भाई को चढ़ गया गुस्सा, वो कहता है कि मेरी बारी जब आ रही होती है उस टाइम कोई पेड़ नहीं बोलता और जब इनकी बारी आती है ये फौरन पेड़ लगा देते हैं, और हम क्यों पैसे दें भाई, फिर यहाँ तो सारे दें। सर जी हम लोग डबल 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 की थी ना, मैं बिलाल और हमीद हम दो बार गए थे उससे पहले, उसके बाद इन लोगों ने पेड़ का बोला। हाँ मैं बोला मैं नहीं इसमें। देखो भाई आने वाले दौर सीजन का कुछ पता नहीं है, और जो जो हमारी लास्ट अपडेट आई है कि नुमान अपना नहीं भाई ने कहा है कि मैं जो हूं ना क्या टीम की सारी अंपायरिंग करूंगा, है ना भाई? नहीं भाई आपने यही कहा है ना, मुझे रिपोर्ट जो आई है कि नहीं भाई ने कहा कि मैं पक्का अंपायर। फिर तो हो गई फिर तो हो गई है, फिर तो सारी हो गई अंपायरिंग, फिर तो सारी अंपायरिंग हो गई। नहीं देखिए सर आपको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, पहले ये इसके इससे पहले ये नुमान ने इससे पहले मैं और इमरान ने ना काफी सारी अंपायरिंग की। बिल्कुल आप दोनों कप्तान वाइस कप्तान थे हमारी बी टीम के, आपके नहीं आपने उसके अलावा इधर भी की है हमने एम्पायरिंग। नहीं नहीं सर ये देखिए एम्पायरिंग का मजा कुछ और है, आप लोग नहीं रियलाइज कर रहे, उसका मजा कुछ और है, वो होना चाहिए टीम के अंदर। लेकिन एक चीज है ये नुमान जब भी एम्पायरिंग पे जाता है ये फड्डा क्यों, यहाँ उनका फड्डा हो जाता है या इसका फड्डा हो जाता है, ये क्या चीज? नुमान भाई तो कितने फड्डा कितना है, एक फड्डा उसके साथ इस वजह से ये फैल्कन के साथ फड्डा किया था ना इसने। कंप्रोमाइज नहीं होता है, आप अगर एम्पायरिंग कर रहे हो तो आपने दोनों साइड का देखना है कि यार ना उनके साथ भी बुरा हो ना इनके साथ हो, एक जैसे डिसीजन हो। बुरा नहीं, आपने ये चीज तो सोचनी नहीं है ना कि बुरा उसके साथ हो या उसके साथ। मिसाल के तौर पे एक मिनट मिसाल के तौर पे अभी
उनके टाइम है एक घंटा 40 मिनट जितना भी टाइम है यार उनका, ठीक है, वो जानबूझ के ओवर लेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा हक बनता है कि मैं यार दूसरी टीम का एहसास करूं, यार आप क्यों लेट कर रहे हो भाई, टाइम रूल्स क्या है, ठीक है, जब आप रूल्स की बात करते हो तो वो सारे समझते हैं हम प्रो प्लेयर हैं, हम बड़े प्लेयर हैं, हमारे से ये क्या है रूल्स की बात क्यों, ठीक है, तो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य सुनाता हूँ, उसके ऊपर हमारी टीम के ऊपर बड़ा असर भी पड़ा इस चीज का। एक मैच हो रहा था किंग फैसल के ग्राउंड के ऊपर और नुमान भाई वहां पे एम्पायरिंग कर रहे थे, अब नुमान को शायद आहिस्ता आहिस्ता याद आएगा, उस मैच के अंदर नुमान भाई ने इनकी आपस में कुछ हुई कि प्लेयर के साथ कोई रनआउट के ऊपर कोई इश्यू हो गया, जिसके ऊपर किसी ने ना माँ बहन की गाली निकाल दी, गाली निकाल दी, तो केस जो है वो बड़ा हो गया। हमारे पास खबर आई, हम लोगों ने रिपोर्ट कर दी, हमने कहा भी हमारे प्लेयर को गाली कैसे दी ये। अब हमारा जो हाफिज है माशाल्लाह से, ये चला गया उधर मीटिंग अटेंड करने के लिए, वहां पे बैठे हुए थे आरसीए के तारिक जावेद साहब, नासिर अब्बासी, करीम खान और दूसरे लोग जो भी उनके साथ। अब वहां से इनसे ये हाफिज से पूछे जा रहे हैं कि भाई बताओ इसने क्या बोला, हाफिज कह रहा है इसने मुझे गाली दी, बोला कौन सी गाली दी, हाफिज कह रहा है मैं हाफिज हूं मैं गाली नहीं दूंगा, नया नया आया था फर्जी था, तब अभी नया नया आया था, नहीं नहीं कहते मैं गाली नहीं दूंगा, इसने मुझे गाली दी, ठीक है कौन सी गाली दी, तुम मुझसे बोलो इसने कौन सी गाली दी, बाकी थोड़ा सा आप बताएं, मुझे थोड़ा सा भूल गया, मेरा ख्याल है फिर आपने गाली बोली उसको कि इसने मुझे बहन की गाली दी है, ऐसा करके कुछ चक्कर था, करेक्ट है, ऐसे ही था ना, हुआ ये था कि हमने जाना था मीटिंग अटेंड करने लेकिन हम नहीं गए, तो आपने कॉल की कि कॉल के ऊपर जो है ना वो आप अपना बयान दे दें, जो सबसे पहले हुआ था, अच्छा, तो मैं और वो थे तनवीर थे तब एम्पायरिंग थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या गाली दी आपको, मैं क्या बोला, मैंने बोला मैं गाली नहीं दे रही, ये बस इसने मुझे गाली दिया मैंने बता, वो कहते हैं नहीं वो कोई 4-5 दफा उसने उन्होंने बोला ना आप बताओगे तो फिर मैंने बोल दिया कि इसने ये गाली। आप अंदाजा करें कैसे कैसे हमारे इसके ऊपर होते रहते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है सर आप लोगों ने इतना टाइम निकाला है, हम लोग यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को इतने अरसे के बाद देखकर, और अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है अपना सेहत का ख्याल रखें, बड़ा इम्पोर्टेंट है, रमजान की आखिरी असरातों में हम लोग आ चुके हैं, ताक रातें स्टार्ट हो गई हैं, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह सबके लिए खैर खरीद करे, और ये जो मसले मिसाइल हमारे पास इस टाइम के ऊपर जो आए हुए हैं जिसकी वजह से हम सब लोग जो है काफी दूर है, अपने घर वालों से भी दूर है, किसी को कुछ पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या ड्रामे चल रहे हैं, हर मुल्क में ड्रामे हो रहे हैं, जहाँ पे हम समझते थे जो मुल्क बड़े तरक्कीवार हैं, बड़े उनके पास बड़े रिसोर्सेज हैं, सबसे वर्स्ट सिनेरियोज उनके पास मौजूद है, अभी तक अगर अंदाजा करें कि यूके के पास अभी तक उनको समझ में नहीं आ रही है हम क्या कर रहे हैं, तो यू नो आप लोग का बड़ा ये वो है, यहाँ पे आप लोग मौजूद है, पीछे फैमिलीज आप लोग की वहाँ पे सबके दूर दूर है, तो सबके लिए दुआ शुआ करें ताकि सबको हम सबको जो है वो इस जल्दी जो है वो अपने क्रिकेट की फील्ड के ऊपर आने का मौका मिले, ताकि हम वापस से यूनिटी फॉर्म करें, यूनिटी जिताएगी हमें हर चीज को, और ये मजाक तो अपनी जगह होते ही रहते हैं, ये तो जरूरी है, देखें बीच में अगर आपके पास ऐसी टीम में ना हो तो हम यहाँ सीरियसली मैच खेल के घर चले जाएं तो वो भी कोई मजा नहीं है, तो ये देखें हम आप लोगों की बड़ी बड़ी बात है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये अपना नईम भाई की बड़ी बात है ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसलिए कि हम लोग बड़ी खुले खुले दिल की बातें एक दूसरे के साथ कन्वर्स कर लेते हैं, अब किसी का यानी यहाँ किसी की तोहीन करना या किसी को डाउन करना ये मकसद नहीं होता, लेकिन आप देखें ना अहमद शहजाद जब तक सेल्फी नहीं लेगा हमारे मैच के अंदर कोई जान ही नहीं आएगी, मतलब वो जान वो मैच ही नहीं आता, वो क्या एक अलग से लगे कल्ले कल्ले, अच्छा अकेली सेल्फियां भी लेते हैं अपनी 5-6 सेल्फियां अलग पोस्ट कर देने साढ़े नाल दो या एक एक खिंच के अलग पोस्ट कर देने, तो ये भी आपके पास यादगार है, अकेली कोई भी नहीं पिक्चर को ली काफी टाइम हो गया मेरे ख्याल में, अब भी मेरे पास काफी सारी ऐसी पुरानी बहुत सारी पिक्स पड़ी हुई सर, बड़ी इम्पोर्टेंट है आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप में डालें,
हमारे अपना जो है वो बड़ा अच्छा लगता है कि पुरानी यादें जो है वो एक्चुअली क्या मैं जब भी पिक्चर आया था उसमें गूगल फोटोज में तो वो मेरी जितनी पिक्स है ना पुरानी वो सारी उधर डायरेक्ट सेव होती जा रही है। मतलब नहीं बड़ी बात है यार, आप लोग इतना डेटा रख लेते हो, हमारे पास तो इतना डेटा सेव ही नहीं होता। अभी मेरे पास रमजान टूर्नामेंट का नहीं होता, मेरे को उसकी बड़ी टेंशन होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई यार आप लोगों ने टाइम निकाल कर आज जो है ये हम लोगों ने एक सिलसिला किया। मेरा ख्याल है कि किसी दिन और मैं भी, अब ईद का तो जो है वो सुना है लॉकडाउन के अंदर ही गुजरनी है ईद जो है तो, लेकिन ईद के करीब करीब जो है फिर कोई ईद के एक दिन बाद या एक दिन, वैसे तो अकेले अकेले ईद ही करनी है आप लोगों ने, दीवारों से ही मिलना है ना। मतलब और किसी से तो मिल नहीं सकते, जो आपके साथ रहते हैं बस वही आपकी ईद है, बाकी तो ऑब्वियसली दूर दूर है। लेकिन कोई प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह ईद के करीब भी कि हम लोग जो है वापस से इससे इकट्ठे करें, और अपने जो दोस्त हैं जो जो नहीं आ सके किसी भी मजबूरी की वजह से या कोई भी उनको जो हो तो उनको भी इनकरेज करें, हम लोग सब मिलके करें। और लास्ट में एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी को कोई भी मसले मिसाइल हो प्लीज जरूर कोई किसी भी चीज की जरूरत हो, आपस में एक दूसरे के साथ हम लोग मौजूद हैं, जहाँ तक हम आपकी हेल्प कर सकते हैं हम आपके साथ हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई वो झिझक की बात नहीं है। सुनो आप अपने मुझे अपना छोटा भाई समझ के पूछ सकते हैं, बड़ा भाई पूछ के ना पूछिएगा क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं अभी तक 21 साल का हूँ, ऐसे खामखा मुझे बड़ा बना के आपने तो प्लीज अगर किसी का कोई ऐसी कोई चीज हो कोई, क्योंकि सबको मालूम है इस टाइम के ऊपर हर बंदा जो है वो एक फेज से गुजर रहा है, तो हम बाकी लोगों के लिए करते हैं तो हम अपने भाइयों के लिए या अपने दोस्तों के लिए हम लोग क्यों ना करें। तो बिना झिझक किसी को भी चीज हो, आपके पास नंबर है आप कॉल करें, आप मुझे बताएं, मैं जो भी कुछ कर सकता हूं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आप करेंगे। और बस दुआओं में एक दूसरे को याद रखें सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बस मेरी तरफ से तो ये एक मैसेज है, मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि आज हमने मिलके एक दूसरे की पोलें खोली है। अब आप एक हफ्ते के बाद कुछ मजीद सोचें कि हमने और किसकी किसकी खोल ली है। नहीं वो बिल्कुल, वो देखिए जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट की प्लेयर है जट, जिसके पास सब कुछ इतना ज्यादा, उसका साइक्लोपीडिया है, उसके पास हर चीज दिमाग के अंदर वो चीज मौजूद है जो आपको पता भी नहीं है लेकिन उसके पास मौजूद है। उसके साथ उसकी दूसरी पंच लाइन है, बकर है उसकी पंच लाइन वहां हो। अगर यहाँ पे अगर हम आमिर को भी इन्वॉल्व कर लें अमेरिका से तो हम लोग खामोश रहेंगे, यही पांच लगे रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, नईम भाई हो गए या जट हो गया या फलाने हो गए, हम तो चुप करके तमाशीन की तरह चौका लग गया चारी बार, ये इसका छक्का लग गया। ये लोगों की जो पंच लाइन है ये बड़ा मतलब टीम के मॉरल के लिए भी बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट वीक रखें सर जी, सबको एक दफा दोबारा कॉल करते हैं यार, आओ थोड़ा। नहीं नहीं आप बिल्कुल करें, हम भी करें जरा थोड़ी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सर, पुरानी यादें कुछ ताजा हो जाएंगी, ठीक है कुछ पता चल जाएगा हाँ कैसे हैं सब ठीक है। मतलब मैं कोशिश करता हूँ, मैं उसको भी एंगेज करने की कोशिश करता हूँ अपना आमिर को कि वो भी आए थोड़ी, उसकी भी उसके साथ भी जरा ठीक ठाक हमारी पंच लाइन बनती है। लास्ट मैच आमिर भाई का आई थिंक वो अलमराई में ही था ना, कि उसके बाद खेले है कोई नहीं, उसके बाद वो आया, बड़ी मार पड़ी है उसको, बड़ी मार पड़ी है एक ओवर के अंदर उसको पढ़ के नहीं, लेकिन वो उसके बाद जो था मैच तो आया, मैच तो आया उसने आमिर भाई ने बाद में देखा नहीं, वो लेट गया उधर ही बेचारा ग्राउंड में। नहीं 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 सर आप गलत कह रहे हैं, आमिर भाई ने हम लोग मैच हार रहे थे। नहीं नहीं वो सिक्स जो था एहसान का, एहसान का हेलीकॉप्टर सिक्स जिसने कमाल किया उसके अंदर बड़ा अच्छा था। चले करिए ये किसी टाइम भी बंद हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर आप सब एक दूसरे का ख्याल रखें अपने दुआओं में याद रखें। तो नेक्स्ट वीक फिर प्रोग्राम बनाते हैं और फिर इंशाल्लाह आप लोग से दोबारा मिलेंगे इसी चीज की तरह। लास्ट में सर जी मुझे एसएन का एक और वाक्य याद है, ये लेटेस्ट है सर जी, आप गए हुए थे छुट्टी पे थे शायद, तो मैच था हमारा फाल्कन के साथ, और बड़ा जो ना मैच वो था क्योंकि उनके साथ हमारी लगती है, वो सारे जो है ना थोड़ा एटीट्यूड वाले हैं, वो खैरी की जो टीम है सर जी, जी तो सही मैच फंस गया हुआ था सर।